गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज आपका एक नया टॉपिक, क्योंकि फसल उत्पादन एवं प्रबंध चैप्टर से क्लास 8 के लिए चल रहा है, उसमें आप लोग को पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि इसके कुछ चरण होते हैं, उस चरण के तरीके से यदि हम खेती करते हैं तो हमारा अच्छा उपज होता है। तो उसमें सबसे पहले आप लोग को बताए थे मिट्टी की तैयारी, फिर बीजों की बुआई, फिर खाद देना, खाद मिलाना, और आज आपका है जब ये तीन चरण हो जाते हैं तो चौथा चरण क्या होना चाहिए? सिंचाई। क्या होना चाहिए? सिंचाई होना चाहिए। सिंचाई का क्या होता है कि फसलों को जल देना। तो सिंचाई किसे कहेंगे? देखिए, विभिन्न समय अंतराल पर फसलों को जल उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। जैसे हम लोग खेती करते हैं, आलू लगाते हैं, धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो क्या करते हैं कि हम उसको समय समय पर, समय अंतराल पर क्या करते हैं कि जल देते हैं। जैसे लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं, बोला आलू पटाना है, तो आलू पटाना नहीं, उसको सिंचाई कहते हैं। वो सिंचाई हम लोग अपनी भाषा में बोल देते हैं कि आलू पटा रहे हैं तो गेहूं पटा रहे हैं, नहीं, वो जल उसको दे रहे हैं वो सिंचाई है, वही सिंचाई है जिसको हम लोग कह देते हैं कि पटाना। तो पटाना हम लोग अपनी भाषा का है, लेकिन ये कहलाता है सिंचाई। तो फसल को विभिन्न समय अंतराल पर जल देना, जल उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। अब है अगला टॉपिक आपका सिंचाई के फायदे। सिंचाई क्यों करते हैं, काहे, किस लिए उसको हम लोग जल उपलब्ध कराते हैं, क्या फायदा है उससे, सिंचाई करना क्यों फायदा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जब किसी भी फसल के बीज को लगाते हैं तो उसे अंकुर होने के लिए, सबसे पहला पॉइंट है अंकुर होने के लिए, क्योंकि उसको मिट्टी में आपको क्या मिल रहा है, हवा मिल रहा है, सूर्य की रोशनी से उसे तापमान मिल रहा है, लेकिन जल नहीं देंगे तो क्या होगा, अंकुर ही नहीं होगा। जब अंकुर ही नहीं होगा तो आपका फसल कहां से उगेगा, फसल कहां से होगा। तो सबसे पहला आपका जरूरी है कि फसल को अंकुर होने के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद और क्या फायदा है जल उपलब्ध कराने से, जल उपलब्ध कराने से क्या होता है कि जो भी पोषक तत्व होते हैं वो जल में घुलते हैं, और जल में घुलने के बाद पेड़ पौधे के जड़ उसे जल से ही लेते हैं, इसलिए जल सिंचाई करना, जल उपलब्ध कराना जरूरी होता है, यह हमारा फायदा है। अब है और क्या फायदा है कि देखिए, अभी ग्रीष्म ऋतु अभी चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी में फसल लगता है, ठंडे में भी लगता है, तो गर्मी के समय जो फसल लगते हैं उसमें क्या होता है कि सिंचाई कुछ मैंने अधिक जल्द देना होता है, 2-3 दिन के बीच में सिंचाई करना पड़ता है। कारण क्या है कि अभी धूप का समय है, धूप अधिक होने के कारण जो पौधे की पत्तियां होती है उससे जल का वाष्प अधिक होता है, इसलिए अभी का समय में थोड़ा जल का जो सिंचाई का जो समय है वो थोड़ा जल्द होता है, 2-3 दिन के अंतराल में होता है। लेकिन यही आपका ठंड के मौसम में जो फसल लगाते हैं उसमें क्या होता है कि गर्मी कम होती है, धूप कम होती है, तो वाष्प भी कम होता है, तो जल जो मिट्टी में रहता है उसका वाष्पन भी कम होता है, और वह अधिक दिन तक, यानी आपका 7-8 दिन तक वो आपका, एक बार यदि आप सिंचाई कराते हैं तो 7-8 दिन तक आपका चलता है। तो इस तरह से ये हमारा फायदा है कि जल उपलब्ध कराने से। आप देखिए सिंचाई के स्रोत मीन्स कौन कौन से ऐसे साधन है जहां से हम जल उपलब्ध करा के अपनी फसल तक ले जा सकते हैं। तो उसका सबसे पहले क्या है, कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर, ये सब हमारा स्रोत है। इसी ये सब क्षेत्र में जल उपलब्ध होता है, जल का जमावट होता है, और उसी क्षेत्र से हम लोग क्या करते हैं, जल को मशीन के माध्यम से, अन्य तरीके से माध्यम से जल को उठा करके अपने फसल तक ले जाते हैं। तो ये हमारा जल के यानी सिंचाई के स्रोत है, इन्हीं स्रोतों से हम सिंचाई कर सकते हैं।
अब सिंचाई के पारंपरिक तरीके, पुराने समय का तरीका, किस किस तरीके से हम सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि नदी तालाब कुआं में पानी पड़ा हुआ, अब कुआं से पानी निकालने का कुछ तरीका होगा तभी तो हमारा फसल तक जाएगा, अन्यथा कुआं में पानी है आप कहिएगा सिंचाई हो जाए तो ये तो होने वाला नहीं है, तो इसलिए उसका कुछ तरीका होना चाहिए ताकि कुआं से पानी निकालकर हम फसल तक ले जाए। तो उसके कुछ पारंपरिक तरीके हैं, मोट घिरनी को ही मोट कहते हैं। आप देखते हैं अभी कुआं पर किन्नी का कुआं पर घिरनी लगा रहता है, उसी घिरनी के माध्यम से जल को बाहर निकाल जाता है। चेन पंप के माध्यम से, चेन के माध्यम से घुमाया जाता है और पंप के माध्यम से उसका आपका पानी बाहर निकलता रहता है। फिर क्या है, ढेकली जानते हैं किसको कहते हैं, ढेकली, ये नाम है ढेकली, लेकिन ढेकली को बोला जाता है लाठ, जानते हैं लाठ, जो पुराने समय के लोग लाठ लगाते थे कुएं पर, एक उसमें कुणी लगा रहता था, रस्सी रहता था, लकड़ी का बना रहता था, खंभे पर उसे लटका के उससे पानी निकाला जाता था, वही है ढेकली आपका, जिसको हम लोग कहते हैं लाठ। फिर आपका रहट, जिसको कहते हैं उत्तोलक तंत्र, ये भी आपका क्या है, एक साधन है जिससे हम लोग पानी को जल स्रोत से बाहर निकाल सकते हैं, कुएं से तालाब से पानी को बाहर निकाला जा सकता है। तो ये हमारा सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। अब ये चारों तरीके के बारे में आप लोगों को विस्तार रूप से अगले वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। कनेक्ट चला गया हो।